तो आज हम बनाएंगे आम की लौंजी। इसको हम मीठी चटनी या आम का इंस्टेंट अचार भी कहते हैं। ये खट्टी मीठी रहती है। इसको हम पराठे के साथ खा सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दिया जा सकता है, या फिर सब्जी अच्छी नहीं लगे तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो चलिए इसको बनाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो कच्चे आम लूंगी, एकदम फ्रेश कच्चे आम लीजिए। और इसको बहुत ही अच्छे से धोना है हमको। इसको हालांकि मैंने बेकिंग सोडा और नमक में डाल के ऑलरेडी धो चुकी हूँ मैं, बट इसको फिर से मैं एक बार धोऊंगी। ये देखिए, अब हम इसको एकदम अच्छे कपड़े से, क्लीन कपड़े से अच्छे से वाइप कर देंगे, बिल्कुल पानी नहीं रखेंगे इसमें। तो ये हमने एकदम अच्छे से साफ कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर का छिलका है वो एकदम आसानी से निकाल देंगे पीलर की सहायता से। अगर हम इसका छिलका नहीं निकाले तो भी चलता है, परंतु इसका फिर जो टेस्ट है वो थोड़ा सा इतना खट्टा नहीं आएगा उसके कचरे की वजह से, उसके छिलके की वजह से। तो अब हम इसको रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप में काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर शेप में काटूंगी। आप चाहो तो इसके लंबे टुकड़े भी कर सकते हो या फिर छोटे टुकड़े भी कर सकते हो। ये देखिए, तो ये हमने पूरा अच्छे से काट लिया है। और यहाँ पर मैं गुठलियों को भी इसमें साथ में पकाने वाली हूँ, बिकॉज ये बहुत ही टेस्टी लगती है एंड आई जस्ट लाइक दैट। सो इसको मैं साथ में ही पकाऊंगी। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर पैन लेंगे, जिसमें एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालूंगी। सरसों के तेल में ये बहुत ही अच्छा बनता है। अब हम यहाँ पर इसमें जैसे ही तेल गर्म हो जाता है सरसों डालेंगे 1/4 टेबल स्पून जितना, और यहाँ पर जीरा डाला है मैंने 1/2 टेबल स्पून। ये अजवाइन डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। और यहाँ पर मैंने कलौंजी ली है 1/4 टेबल स्पून जितनी, ये बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत ही हेल्दी होती है, फुल ऑफ प्रोटीन रहती है। और यहाँ पर सौंफ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है इसमें, तो ये मैं 1/2 टेबल स्पून जितना डालूंगी। तो ये देखिए, अगर आपने मेथी के दाने लिए हैं, मेथी डालना चाहते हो सूखी, तो अभी डाल सकते हो, बट मैंने मेथी को भिगो के रखा इसलिए मैं इसको बाद में ऐड करूंगी। तो यहाँ पर हम अपने आम के टुकड़े डाल देंगे इसमें और एकदम अच्छे से इसको टॉस कर देंगे। देखिए, गुठलियां भी मैंने इसमें डाल दी है, इसको टॉस कर दिए एकदम सावधानी से और इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर मैं मेथी के दाने डालूंगी, ये बहुत ही अच्छी रहती है हमारे हेल्थ के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए। और इसको मैंने 6 से 7 घंटे के लिए सोक करके रखा था। आप चाहो तो 2-3 घंटे के लिए भी इसको भिगो के रख सकते हैं। 1/2 कप जितनी यहाँ पर मैंने मेथी ली है। देखिए, इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर ढक के रख देंगे, ताकि सारे मसाले इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए, बहुत ही अच्छा अरोमा आएगा। और अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। मैं 1/4 टेबल स्पून जितना डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर। और नमक यहाँ पर मैं पहले बहुत ही थोड़ा डालूंगी, क्योंकि इसमें बाद में हम सेंधा नमक भी यूज करेंगे। और यहाँ पर मैं कश्मीरी मिर्च ले रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, तो ये 1/2 टेबल स्पून डाला है मैंने। और धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून डालेंगे। और अब ये सारे मसाले हम बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पर मैं कम से कम 1.5 ग्लास जितना पानी डालूंगी और इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे फिर से। इसको हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरे जो इसके टुकड़े हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाए, पूरे अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाए। तो अब हम इसको फिर से ढक के रखेंगे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक आप रख सकते हो इसको। तो ये देखिए, आप देख सकते हो इसमें कलर भी इसका चेंज हो रहा है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इसको थोड़ा सा बनने में टाइम लगता है, बट बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको आप फ्रिज में कम से कम 1 महीने के लिए रख सकते हो।
तो यहाँ पर हमने गुड़ डाला है, हाफ कप जितना मैं गुड़ इसमें ऐड कर रही हूँ, और साथ ही साथ पानी और डालेंगे, एक गिलास जितना पानी मैंने और ऐड किया है इसमें। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप इसकी ट्रांसपेरेंसी देख सकते हो, ये जैसे जैसे ट्रांसपेरेंट होता जाएगा वैसे ही सॉफ्ट होता जाएगा। तो अब हम इसको फिर से ढक के रखेंगे, बहुत ही अच्छे से इसको पकने देंगे 5 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो चुकी है, बहुत ही गाढ़ी हो चुकी है। एक्चुअली में जब ये ठंडा होता है तो और भी गाढ़ा हो जाता है, तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। और इसको हम अगर बाहर रखें तो 6-7 दिन के लिए हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, और अगर फ्रिज में रखोगे आप तो 1 महीने तक के लिए। तो यहाँ पर मैं हींग डालूंगी 1/4 टेबल स्पून जितनी, आप चाहो तो स्टार्टिंग में भी डालते हो, बट मैं यहाँ पर डालना प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पर अदरक का पाउडर डालेंगे 1/4 टेबल स्पून जितना, और ये सेंधा नमक मैं यहाँ पर डालूंगी, ये भी 1/4 टेबल स्पून जितना डालूंगी। इसलिए मैंने उस समय कम थोड़ा नमक डाला था, ताकि क्योंकि हम ये बाद में और थोड़ा नमक ऐड करने वाले थे। इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहो तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो और गरम मसाला भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर स्किप किया है। सो ये देखिए आप कितना अच्छा इसका कलर हो गया है। तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमको जैसे कैरी सारी अलग होती है, कोई ज़्यादा खट्टी भी होती है, कोई मीठी होती है, तो उसके हिसाब से पहले मैंने जैगरी या फिर गुड़ कह सकते हो आप, तो थोड़ा ही डाला। तो यहाँ पर टेस्ट किया, मुझे इसका खट्टा मीठा जो फ्लेवर है बहुत ही पसंद आया है। आप भी टेस्ट करके आप अपने हिसाब से और भी गुड़ डाल सकते हो। ये देखिए, अगर आपको इससे भी थोड़ा लिक्विड ही चाहिए तो आप इसमें थोड़ा और पानी ऐड कर सकते हो। तो हमारी लौंजी एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं गैस बंद कर दूंगी, एंड नाउ इट्स रेडी टू सर्व। सो अब मैं इसको एकदम अच्छे से ये बाउल में निकालूंगी।